ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। 10 मई 1972 की अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने फरमान देते हुए कहा, तुम्हारे मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जहां व्यर्थ होगा वहां समर्थ बाप की स्मृति नहीं रह सकती। समर्थ की स्मृति में रहते हुए तुम कोई भी बोल बोलेंगे तो वह व्यर्थ नहीं हो सकता, फिर तो ज्ञान रत्न ही निकलेंगे। लेकिन कई बच्चे गलत कार्य करके ऐसा समझते हैं कि हमने पश्चाताप कर लिया, माफी भी मांग ली तो बस छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितनी भी कोई माफी लेवे, अगर कोई पाप कर्म या व्यर्थ कर्म हुआ है तो उसका निशान नहीं मिटता। अर्थात इस विधि से रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं बन सकता। इसलिए कभी ये नहीं कहना कि हो गया, माफी ले ली। अगर कोई भी अपवित्रता आपकी वृत्ति, स्मृति या संकल्प में है तो आप सिर्फ कहने मात्र ही ब्राह्मण हो। बाबा ने कहा, विशेषताएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जब एक भी कमजोरी रह जाती है तो वह अनेक विशेषताओं को भी समाप्त कर देती है। कहते हैं ना, कितना भी अमृत हो लेकिन विष की एक बूंद पड़ने से ही सारा अमृत विष बन जाता है। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। ओम शांति। आज बाबा का एक नया गीत रिलीज हुआ है, सभी भाई बहने इसे जरूर सुने। अभी गीत को सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।